मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास ऑफ प्लस टू। डियर स्टूडेंट्स, ये लेख लगातार वध रही वसों अते मनुखी लापरवाही दी चौथी वीडियो है, जिस विच असी सफा नंबर 94 दे पहले दो पैरियां ते चर्चा करांगे। पर इस तो पहला असी हुण तक कीते काम नूं दोहरावांगे। असी लेख लगातार वध रही वसों अते मनुखी लापरवाही दे सफा 93 तक पढ़ चुके हाँ, जिस तो सानू ये जानकारी मिलती है कि धरती उपर मनुखी वसों वधन कारण ते कुदरत प्रति मनुख की लापरवाही कारण पानी दे स्रोत खत्म हो रहे हैं। दूजे पासे वायुमंडल विच कार्बन डाइऑक्साइड अते मिथेन गैस की मात्रा वधन कारण धरती का तापमान वध रहा है, जिस करके धरती दे धुरियां तो बर्फ पिघल के समुद्रां दी डूंघाई वधा रही है अते खुश्क भाग नूं अपनी बुक्कल विच समेट रही है। लेखक ने सुचेत किया है कि कुदरत प्रति मनुख नूं अणगहली नहीं वरतनी चाहीदी, क्योंकि यह मनुख दे हित विच नहीं है। लेख दे दूजे पड़ाव विच लेखक ने धरती दे जन्म ते इस उपर पुंगरे जीवन दे इतिहास उपर चानना पाया है ते बयान कीता है कि धरती उपर सब तो पहला जीवन दी शुरुआत पानी तो हुई ते उस तो बाद ही धरती दे खुश्क भाग दे उपर जीवन पुंगरिया ते विकसित होया। इस तो बाद लेखक ने डायनासोर दी उदाहरण राही स्पष्ट कीता है कि जद भी धरती उपर जीवां अते कुदरत दे संबंधां विच उलार आउंदा है, भाव कि असंतुलन पैदा हुंदा है, तां इसदा खामियाजा हमेशा धरती उपरले जीवां नूं अपनी होंद मिटण दे रूप विच भुगतना पैंदा है। लेखक ने प्रतख कीता है कि बेशक धरती उपर कई कुदरती आफतावां ते बिपतावां दा गेड़ गिड़दा रहिंदा है, पर फिर भी धरती ओनी कदी नहीं रुली जिन्नी पिछले 100 वरियां विच मनुख ने रोल के रख दित्ती है। ते इस लिहाज नाल मनुख हुण धरती लई एक संकट अते रोग बन गया है। डियर स्टूडेंट्स, हुण असी सफा 94 दे पहले दो पैरियां दी रीडिंग करांगे, पर रीडिंग तो पहला असी इन्हां दो पैरियां दे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ते चर्चा करांगे ते फिर इन्हां दो पैरियां दे कंटेंट नूं वी डिस्कस करांगे। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 94, फर्स्ट पैरा एंड फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड वणा। वणा तो भाव है जंगलां, सिमट रही कट रही, सुंगड़ रहे कट रहे, नपीड़िया जा रहा भाव की नपीड़िया जा रहा तो भाव हुंदा है कि लताड़िया जा रहा जां दुख भोग रहा, पर इत्थे लाइन दे अकॉर्डिंग आएगा खत्म हो रहा। उबाल आ रहे हैं भाव मौसम ते रुत्तां विच तब्दीली हो रही है। नैक्सट है चक्खड़, चक्खड़ तो भाव हनेरी तूफान। नैक्सट डिफिकल्ट वर्ड है अनिजमत वादा। अनिजमत वादा, अनिजमत शब्द निजम तो बनया है, निजम का अर्थ है नेम ते अनिजमत का अर्थ है बिना किसी नेम जां सिद्धांत दे, भाव बिना किसी निजम दे हो रहा वादा। नैक्सट वर्ड इज काश्त, काश्त तो भाव है खेतीबाड़ी। अगला शब्द है अफारा आ रहा है, अफारा आ रहा तो भाव कि बहुत ज़्यादा मात्रा विच, वड्डी मात्रा विच किसी चीज़ का वधना। अगला शब्द है कुरूपता, कुरूपता तो भाव बदसूरती। पोती जा रही तो भाव हुंदा किसी चीज़ के उपर किसी चीज़ की लेयर जो कोई परत चढ़ाउणी, पर इत्थे आएगा कि कुदरत कुरूपता नाल पोती जा रही भाव परी जा रही विगाड़ी जा रही। अगला शब्द है निकसुक, निकसुक भाव छोटा समान जां छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे कण। अगला शब्द है उद्योगी निकास,
ਭਾਵ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਘਰਨ। ਪੰਘਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਘਲਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨੀ ਗਿਲਾਫ। ਗਿਲਾਫ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਰਤ ਜਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲੇਅਰ। ਲੀਰੋਲੀਰ, ਲੀਰੋਲੀਰ ਫਟਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਿਗਾਫੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਸ਼ਿਗਾਫੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਵ ਛਿਦਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੇਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਟਣ ਨਾਲ। ਵਕਿਰਨਾ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟਿਮਟਿਮਾ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਘਟ ਰਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਗੰਧਕ। ਗੰਧਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੋਲ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਖਾਵੀਂ। ਸੁਖਾਵੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਹੁਸੜਵਾਂ। ਹੁਸੜਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏਗਾ ਤਰਸਯੋਗ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਫਸਟ ਪੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਣ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਦੇ ਉੱਥੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਵਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਥਰਮੇ ਨਾਲ ਵਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ 'ਚ ਅਨਿਯਮਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਕਾਸ 'ਚ ਅਫਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਨਿਯਮਤਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਵ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਕਾਸ 'ਚ ਅਫਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸਹਿਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਕਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਪੋਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ
वायुमंडल च अजिहा निक सुक रलन लग पिया है जिस नाल कुदरत दी हुण तक कोई पछाण नहीं सी। सो इस तरह मनुखी आबादी दे वधण नाल खेतीबाड़ी वधाउणी पै रही है, उद्योग वध रहे हन ते इन्हां उद्योगां दे विचों निकलण वाले फालतू पदार्थां, फालतू जल, गंदे जल दे कारण जां गंदी गंदे धुएं दे कारण जिथे पृथ्वी उपर प्रदूषण वध रहा है उस प्रदूषण दे कारण कुदरत दा सुहप्पण उसकी खूबसूरती खत्म हो रही है ते कुदरत दा चेहरा मोहरा विगड़ रहा है। दूजे पासे धरती दे वायुमंडल इस दे हवा मंडल दे विच कई अणचाहे छोटे छोटे कण जां गंदले जां जहरीले कण रल रहे हन जिस नाल कुदरत दी हुण तक कोई पछाण नहीं सी, भावे इह ओह पदार्थ हन जो कुदरत दे अनुकूल नहीं हन। उद्योगी निकास 3000 प्रकार दीयां जहरां वायु अंदर रला रहा है अते 5 लाख प्रकार दे रसायण जला अंदर घोल रहा है। इस तरह धरती दे उपर जो कारखाने हन इन्हां कारखानियां दे विच्चों जो निकास तो भाव की वेस्ट मटीरियल जो फालतू पदार्थ हन उन्हां दा निकास जां वहन जो धरती उपर कीता जांदा है उन्हां दे विच्चों लगभग 3000 प्रकार दीयां जहरां हर रोज़ हवा दे अंदर समा रहीयां हन ते दूजे पासे इन्हां ही उद्योगां विच्चों निकलण वाले गंदले पाणी दे कारण लगभग 5 लाख प्रकार दे रसायण कैमिकल पाणियां दे अंदर मिल रहे हन। उधर 14 करोड़ टन दे लगभग कच्चा तेल आए वरे सागरां च किधरे ना किधरे डुलदा रहिंदा है जदकि वायुमंडल च आए वरे 4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समोंदी रहिंदी है। सो स्टूडेंट्स इस तरह लेखक ने वख-वख तरीकियां नाल हो रहे धरती दे प्रदूषण, जल दे प्रदूषण ते हवा दे प्रदूषण नूं बयान कीता है कि किस तरह वायु दे अंदर कई प्रकार दे रसायण तत्त मिल रहे हन ते दूजे पासे जलां दे विच वी जहरां मिल रहीयां हन जिवें कि सागरां दे विच कच्चा तेल डुलण नाल सागरां दा पाणी वी प्रदूषित हो रहा है, हवा दे विच 4 अरब टन दे करीब कार्बन डाइऑक्साइड हर साल मिल रही है। सो इस सारे प्रदूषण दे नतीजे वजों धरती गर्म हो रही है, धरती दे उपरों बर्फ पिघल के समुंदर डूंगे हो रहे हन। गर्म हो रही पृथ्वी दे सागर बर्फ दे पंघरन करके डूंगे तां हो ही रहे हन, उधर पृथ्वी द्वाले चढ़िया होया ओजोनी गिलाफ भी लीरो लीर होण लग पिया है। जीवन लई ढाल बने इस गिलाफ दे शिगाफी जाण नाल मनुख नूं हुण विकरना तों उत्पन्न होण वाले रोगां नाल भी भुगतना पवेगा, जदकि वातावरण दे हो रहे पतन कारण इस दी अरोगता तां पहला ही टिमटिमा रही सी। हांजी लेखक ने स्पष्ट कीता है कि सागरां दे डूंगे होण दे नाल नाल वायुमंडल दे प्रदूषण नाल पृथ्वी दे दुआले जो ओजोन दी परत है जो मनुख नूं हानिकारक किरणां तों बचाउंदी है हुण ओह वी फटण लग पई है ते इस तरह इह मनुख दे जीवन लई जो इक ढाल दा काम करदी है, इक सुरक्षा परत है, इस दे फटण नाल जां इस विच छेक होण नाल हुण मनुख नूं सूरज दीयां हानिकारक अल्ट्रावायलट किरणां तों पैदा होण वाले रोगां दे नाल वी निपटना पवेगा, भाव कि मनुख हुण कई इन्हां रोगां दा शिकार होवेगा। जदकि वातावरण दे हो रहे पतन कारण इस दी अरोगता तां पहला ही टिमटिमा रही सी। सो लेखक ने कहा है जां लेखक लिखदा है कि वातावरण दे विगाड़ कारण मनुख पहला ही तंदुरुस्त नहीं सी, कई रोगां दा शिकार हो रहा सी ते इस दी अरोगता पहला ही घट रही सी, उपरों हुण ओजोन परत दे फटण नाल इस नूं कई अणजाणे रोगां दा सामना करना पवेगा। स्पैरा अंबरां चों होण वाली वर्खा भी हुण ठारदी नहीं सगों उल्ट के इस दी तेजाबी तासीर जलन पैदा करती है। इस स्पैरे विच लेखक ने वायुमंडल दे प्रदूषित होण कारण होण वाली तेजाबी वर्खा बारे जानकारी दित्ती है। लेखक बयान करता है कि पहला जो वर्खा हुंदी सी ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਖਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ
बल्कि हानिकारक सिद्ध हो रही है क्योंकि यह वर्खा हुण तेजाबी तासीर वाली भाव तेजाबी रूप वाली है। तो तेजाब नाल भरी हुई यह वर्खा जो धरती के उपर पैंदी है तो जीवां प्राणियां अते बनस्पति नूं साड़न का काम करती है। वर्खा की तेजाबी तासीर का कारण गंधक अते नाइट्रोजन के मिश्रण हैं जिहड़े कारखानियां चों निकलदे धुएं द्वारा अते पराली नूं अग लाउण नाल उपजे धुएं द्वारा वायुमंडल च रचदे हन। हाँ जी, इत्थे लेखक ने लिखा है कि वर्खा तेजाबी रूप वाली किवें बन गई है। इसका कारण यह है कि वर्खा दे तेजाबी होण दा कारण दो गैसां हन, एक गंधक भाव सल्फर डाइऑक्साइड अते दूसरी नाइट्रोजन। ये दोवें गैसां जदों आपस विच मिल जांदियां हन तां हवा विच मिलके यह वर्खा जदों पैंदी है तां उसनूं तेजाबी वर्खा दा रूप प्रदान करदियां हन। हुण वायुमंडल दे विच गंधक अते नाइट्रोजन गैस दे मिश्रण होण दा कारण कारखानियां विचों निकलण वाला धुआं ते दूजे पासे पराली नूं अग लाउण उपजिया धुआं है। इन्हां दोवां प्रकार दे धुएं विचों इह प्रकार दा धुआं जदों वायुमंडल विच रचदा है तां इह गंधक अते नाइट्रोजन दे मिश्रण नाल वायुमंडल नूं इस हद तक प्रदूषित कर दिंदा है कि अंबरां तों आउण वाली वर्खा धरती तक पहुँचदी हुई तेजाबी वर्खा दा रूप धारण कर लैंदी है। तेजाबी तासीर वाली वर्खा ना वणां लई सुखावी है अते ना फसलां लई। मनुख दे पहलां तों ही हुसड़े हुए जीवन नूं होर हुसड़वां बनाउण च इस स्थिति दी वी भूमिका है। सो लेखक तेजाबी वर्खा दी हानि बारे दसदा है कि तेजाबी किस्म दी वर्खा ना तां जमीन उपरले जंगलां लई चंगी है अते ना ही धरती उपरलियां फसलां लई ते ना ही मनुखी जीवन लई। इस तरह मनुख दा जीवन यो वायुमंडल ते कुदरत दे प्रदूषण कारण पहला ही निघार ते पतन वल जा रहा है। मनुख दा ओ जीवन जिस दा दम पहला ही घुट रहा है ते जाबी वर्खा दे कारण मनुख दा ए जीवन होर भी दम घुटवा बनदा जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अज असी इस वीडियो विच लेख लगातार वध रही मनुखी वसों अते मनुखी लापरवाही दे पेज 94 दे फस्ट दो पैरियां दी डिस्कशन कीती है। आई होप तुसी इन्हां दोनों पैरियां नूं जरूर रिवाइज़ करोगे ते अगले वीडियो दे विच असी पेज 94 दे लास्ट पैरा तों लैके लेख दे अंत तक रीडिंग नूं मुकम्मल करांगे। धन्यवाद।